द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फेमस इंडियन बैट्समैन युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। इनके बायोग्राफी से कई सारे लोग इंस्पायर हुए हैं। अपनी इस ऑडियो बुक के जरिए यूवी ने क्रिकेट के लिए अपने प्यार और अपनी कैंसर की बीमारी के स्ट्रगल को शेयर किया है। आप इस ऑडियो बुक में युवराज सिंह के क्रिकेट के शौक से टीम इंडिया के प्लेयर बनने तक की पूरी स्टोरी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उन्हें यहां तक पहुंचने में कितने स्ट्रगल करने पड़े। युवराज सिंह जब अपने करियर के पीक पर थे तो उन्हें अपनी कैंसर की बीमारी का पता चला, जिसका उनकी लाइफ और करियर में काफी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इन सबके बावजूद युवराज सिंह ने कभी हार नहीं मानी। युवराज सिंह कैंसर को हराकर क्रिकेट की दुनिया में वापस कैसे लौट कर आए, ये सब आपको इस ऑडियो बुक में जानने को मिलेगा। उन्होंने एक बुक लिखी है और कैंसर पेशेंट्स के लिए यूवी कैन नाम से एक फाउंडेशन भी स्टार्ट किया, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती है और यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स को फ्री चेकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं या फिर आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। ऑल द वे टू इंडिया, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बाई युवराज सिंह। बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है। स्कूल टाइम में मुझे हमेशा रिसेस और फिजिकल ट्रेनिंग का वेट रहता था। बाकी सब्जेक्ट्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते थे। मेरी फ्रेंड आंचल मुझे स्टडीज में हेल्प करती थी, इसके बावजूद मेरा स्कोर हमेशा एवरेज से कम ही रहा। एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैटिंग कर रहा था तो गलती से शॉट एक आदमी को लगा जो स्कूटर से जा रहा था। बॉल उसे बड़े जोर से लगी थी। वो आदमी स्कूटर से नीचे गिरा और तुरंत उठकर हमारे पीछे भागा। ये बात मुझे आज तक क्लियर याद है। मेरे फादर ने यादविंद्र पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया था। उस वक्त महारानी क्लब में इंडिया के फेमस बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू प्रैक्टिस करते थे। एक दिन मेरे फादर मुझे उनके पास लेकर गए और सिद्धू से पूछा कि क्या वो मेरी बैटिंग देखेंगे। मेरे बैटिंग करने के बाद सिद्ध ने मेरे फादर को बोला, ये लड़का क्रिकेट के लिए नहीं बना है। लेकिन मेरे फादर भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो मुझे नेशनल टीम में जगह दिलवा कर रहेंगे। वो कभी भी डिस्करेज नहीं हुए और ना ही मुझे होने दिया। एक दिन सुबह सुबह मेरे फादर ने मुझे प्रैक्टिस करने को बोला। उस दिन काफी ठंड थी। मैं बेड में लेटा रहा। मैं बहाने कर रहा था कि मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद मेरे फादर मेरे रूम में आए और एक बाल्टी ठंडा पानी मेरे सर पे उड़ेल दिया। उस दिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन जिस दिन मैं अच्छा परफॉर्म करता था, मुझे लगता था कि मेरे फादर का एक ही सपना है कि वो मुझे एक ग्रेट क्रिकेटर बनता हुए देखे। मुझे भी यही लगता था कि क्रिकेट ही वो चीज है जो मुझे फ्रीडम दे सकती है। मेरे पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। मेरा छोटा भाई जोरावर मुझसे 8 साल छोटा है। मेरे पेरेंट्स के बीच जो भी प्रॉब्लम थी, उससे बचने के लिए मैंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट में लगा दिया था। पर मेरा छोटा भाई जोरावर माँ बाप के झगड़ों के बीच पिस रहा था। मेरी मदर ने अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व करने की कभी कोशिश भी नहीं की थी। मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम है। क्रिकेट को लेकर मेरे फादर शुरू से ही काफी स्ट्रिक्ट रहे थे। मेरी पूरी टीनेज तक उन्होंने मुझे काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा था। एक बार रणजी प्रैक्टिस मैच खेलते वक्त मैं 39 में आउट हुआ तो मेरे फादर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे फोन पे बोल दिया था, अब घर मत आना वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। और मुझे पूरी रात घर के बाहर खड़ी अपनी कार में सोना पड़ा था। अगली सुबह जब मैं घर के अंदर आया तो फादर ने मुझे देखते ही मेरे मुंह पे दूध का गिलास देकर मारा। एक और बार की बात है, बैक में फ्रैक्चर आने की वजह से मुझसे फील्डिंग में मिस्टेक हो गई थी। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो देखा फादर ने मेरी कार का साउंड सिस्टम तोड़ रखा था। ऊपर से मेरे सीनियर के नेगेटिव कमेंट्स सुन सुनकर मेरा जीना मुश्किल हो गया था। फाइनली रणजी ट्रॉफी में मैंने 100 का स्कोर किया। मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और पूछा, मैच कैसा रहा? मैंने सेंचुरी मारी, मैं प्राउडली बोला। इस पर मेरे फादर बोले, तुमने 200 रन क्यों नहीं बनाए? उनकी बातों से मैं डिसअपॉइंट हो गया। फिर फादर ने मुझे दोबारा फोन करके बोला कि उन्होंने मेरी कार की चाबियां कहीं छुपा दी हैं। इसके बाद मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने चला गया। मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सिलेक्ट किया गया और इस तरह इंडियन नेशनल टीम में मेरी एंट्री हुई। अपने फर्स्ट मैच में मैंने 84 का स्कोर बनाया और मैन ऑफ द मैच बन गया। अपने पहले पेचेक से मैंने अपनी मदर के लिए घर खरीदा।
द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप हमारे लिए किसी एपिक एडवेंचर से कम नहीं था। हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। 2010 में मेरी गर्दन में एक स्टेन आ गया था जिसकी वजह से बड़ा पेन हो रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं सर घुमाकर देख भी नहीं पा रहा था। एमआरआई में डिस्क बल जाया था। हमारे टीम फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को मेरी गर्दन ठीक करने के लिए बुलाया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बारी नंबर 4 पर थी। मैंने 2 बॉल खेले थी कि अचानक लगा गर्दन में एक झटका लगा है। उसके बाद तो जैसे कमाल हो गया, मैंने धुनानदार खेलना शुरू कर दिया और काफी बढ़िया स्कोर बनाए। मैं सचिन तेंदुलकर से काफी इंस्पायर था। ये मेरे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट था कि हम टीममेट्स थे। वर्ल्ड कप खेलने से पहले सचिन ने मुझसे बोला था कि मुझे किसी ऐसे एकल टूर्नामेंट खेलना चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट देता हूँ या प्यार करता हूँ। सचिन ने मुझे और मेरे टीममेट्स को हमेशा मोटिवेट किया। एक बार मेक्सिको में हमारी टीम डिनर कर रही थी तो एक फैन रविंद्र जडेजा के पास आकर उस पर शाउट करने लगा। वो चिल्ला रहा था, तुम इतनी जल्दी आउट कैसे हो गए, और गंदी गालियां दे रहा था। मामला काफी बिगड़ गया और न्यूज में भी आ गया था। हम पर ओवरपेड और गैर जिम्मेदार होने का ठप्पा लगा। इस घटना के बाद मैं टीम से बाहर हो गया था, लेकिन फिर जुलाई में मुझे श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। वर्ल्ड कप से पहले मैंने 2 बैट सेलेक्ट किए। एक में मैंने वर्ल्ड कप नंबर 1 लिखा और दूसरे में वर्ल्ड कप नंबर 2। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसमें मैंने नंबर 1 वाले बैट से खेला। ढाका के लिए जाते वक्त मुझे मेरा बैट नंबर 2 नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी मदर ने किसी को वो बैट चंडीगढ़ अपने पास मंगा लिया था। माँ उस बैट को बाबा जी आशीर्वाद दिलवाने संगत में लेकर गई। संगत में काफी भीड़ थी। जब बाप जी ने बैट देखा तो एकदम बोल पड़े, ये तो यूवी का बैट है। उन्होंने मेरे बैट पहचान लिया था। ये वही बैट था जिससे मैंने वर्ल्ड कप में खेला था। बाबा जी ने सबको बोला कि वो इस बैट को ब्लेस करे। मेरी मदर बेंगलोर मैच शुरू होने से पहले ही पहुंच गई थी। उसने मुझे मेरा बैट नंबर 2 वापस दिया। वर्ल्ड कप में मैंने टोटल 302 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 सेंचुरी थी। सी चेंज फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर। हेल्थ बिजनेस में जिसमें मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं वो है जतिन चौधरी। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट है। मैं उन्हें 2006 में पहली बार तब मिला जब एक बार मुझे लेफ्ट घुटने के पास चोट लगी थी। फिर 2008 में मुझे जब शोल्डर इंजरी हुई तो मेरा उस पर ट्रस्ट और बढ़ गया। जब मुझे फर्स्ट टाइम अपने ट्यूमर का पता चला तो उस वक्त भी मैंने औरों से ज्यादा जतिन की थेरेपी और ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दी। मेरी खांसी की वजह से डॉक्टर कोहली ने मुझे एक्सरे कराने को बोला। जब मैं निकल रहा था तो जतिन ने मुझे रोक लिया और एक्सरे प्लेट्स चेक करने को बोला। डॉक्टर के माथे पर शिकन थी और जतिन काफी टेंस लग रहा था। एक्सरे में एक वाइट ब्लर साफ दिख रहा था। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं एक FNAC टेस्ट करवाऊं। अगले दिन मैंने अपना CT स्कैन करवाया। बाद में डॉक्टर कोहली ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, मेरे लंग्स में ट्यूमर था। डॉक्टर कोहली ने यह भी कहा कि ये ट्यूमर कैंसर की शुरुआत हो सकती है। उस टाइम मेरी मोम गुरुद्वारे गई हुई थी। जतिन ने उन्हें फोन करके ये न्यूज दे दी। माँ जब वापस आई और हमने एक दूसरे को देखा तो वो मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी ये न्यूज शेयर कर दी। डॉक्टर परमेश्वर ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोला। मैं कुछ भी खाता या पीता मेरी बॉडी रिजेक्ट कर देती। कुछ खाते ही मुझे तुरंत उलटी आ जाती थी। इसी बीच प्यूमा ब्रांड ने मुझसे शूटिंग की डेट्स मांगी। ये एक इंडोर्समेंट डील थी जो मैं बोल्ट, अलोंसो और अग्वेरो के साथ करने वाला था। ये मैंने डील पहले ही साइन कर रखी थी। यूसाइन बोल्ट एक जमाइकन स्प्रिंटर है, फर्नांडो अलोंसो एक स्पेनिश रेस कार ड्राइवर है और सर्जियो अग्वेरो अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। मैंने प्यूमा वालों को जनवरी 2012 की डेट्स दी थी जब मैं फ्री हो सकता था, लेकिन जब मुझे अपने कैंसर का पता चला तो मैंने प्यूमा को इस बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने ये डील मुझसे वापस नहीं ली बल्कि ये बोला कि वो मेरे ठीक होने का वेट करेंगे। लेकिन मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसलिए मैं शूट करने चला गया। वहां एक ट्रेडमिल पर हमें दौड़ना था। अलोंसो ने मुझे मेरी कैप पर ऑटोग्राफ दिया। यही कैप पहनकर मैं उसे रेस करते हुए देखता था, पर मुझे बोल्ट से मिलने का चांस नहीं मिल सका। अपना पार्ट शूट करके वो निकल चुका था। मुझे मालूम था कि बोल्ट क्रिकेट का फैन है। अगर वो मिलता तो मुझे उससे मिलकर बड़ी खुशी होती। इन वर्ल्ड फेमस एथलीट्स के साथ मिलकर और इनके साथ काम करने के बाद
कुछ वक्त के लिए मैं भूल ही गया था कि मुझे लंग ट्यूमर है, पर जब भी मुझे खांसी आती मेरे मुंह से ब्लड निकलता था। एक एथलीट के तौर पर मुझे दर्द बर्दाश्त करना सिखाया गया था। मुझे ग्रेट इंडियन क्रिकेटर अनिल कुंबले याद है, जिसने टूटे हुए टापा जान पॉन सांक जबड़े के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला था।